सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज रूस व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एक नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो ढूंढ रहे हैं लखनऊ शहर में अपना मकान। तो आज रूस व्लॉग आप सबके लिए लेके आए रेडी टू मूव हाउसेज, वो भी फैजाबाद रोड पे। जुड़े रहिए मेरे साथ रूस व्लॉग में और बताते हैं आपको कैसे आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। आपको बता देते हैं फटाफट से इसका एड्रेस पहले। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो हमें फैजाबाद रोड पे नियर गोयल कॉलेज, आप सबने देखा होगा, उसी के पास अनौरा कला पपरा मऊ, ये जगह कहलाती है लखनऊ। अनौरा कला पपरा मऊ आप सब लोग आई होप कि जानते होंगे। नहीं जानते तो अब आपको आसान तरीका बताते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। बीबीडी कॉलेज हम सब लोगों ने फैजाबाद रोड पर देखा है। बीबीडी कॉलेज के आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको स्प्रिंग ग्रीन्स के अपार्टमेंट दिख जाएंगे। स्प्रिंग ग्रीन्स के अपार्टमेंट से लेफ्ट हैंड साइड को जो रोड गई है 800 मीटर की डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं श्री बालाजी वाटिका। यहाँ पे बनी है 72 हाउसेस की पूरी फुल्ली गेटेड सोसाइटी इन्होंने बनाई है, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से रेडी टू मूव हाउसेस बुक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस गेटेड सोसाइटी के अंदर और दिखाते हैं आपको, इसको विजिट कराते हैं। तो एंट्रेंस तो बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने दिया है और आपको बता दें 24/7 सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपको गार्ड साहब मिलेंगे। गार्ड साहब खड़े हैं ड्यूटी पे। गार्ड साहब हेलो बोल दीजिए व्यूअर्स को। तो गार्ड साहब लग चुके क्योंकि बहुत ढेर सारे मकान में लोग रिसाइड कर रहे हैं। तो आइए अंदर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से यहाँ पे लोकेलिटी शुरू हो जाती है। ये देखिए बड़ा सा पार्क भी इन्होंने दिया गया है, उधर अभी हम आपको ले चलेंगे। और इधर कुछ हाउसेस हैं, ये भी अभी हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, इससे पहले इनका आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस वीडियो को, साई बसेरा होम्स करके हमने बनाया था कृष्णा नगर में। तो अगर मेरे कोई व्यूअर्स हैं जो नए जुड़े हैं या पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, तो वहाँ पे अभी इनकी इन्वेंट्रीज है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने जो सोसाइटी बनाई है वो है 200 मकानों की, कृष्णा नगर लखनऊ मेट्रो स्टेशन के पास में। तो आप वहाँ पर वाला वीडियो अगर देखना चाहते हो तो आई बटन के साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, इससे आपको सहूलियत हो, आप वो लिंक क्लिक करके वहाँ पर भी बुकिंग्स करा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड, चलिए बिना देरी करते फटाफट से आपको हम श्री बालाजी वाटिका का एक रेडी टू मूव हाउस विजिट करा रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में आसान हो जाए कि यहाँ पर आपको कैसा हाउस बनाकर ये लोग देने वाले हैं। तो अभी हम एंट्रेंस पे, सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को ये लगा कि देखिए साइड में ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है जिसमें आप अपने पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है और थोड़ी सी ग्रीनरी हम लोग को मिलती है। आगे बढ़ते सबसे पहले एंट्रेंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गेट इन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना अच्छा मजबूत गेट दे रखा है, लोहे का गेट है ये। अंदर की तरफ बढ़ेंगे, एक बड़ी सी पार्किंग स्पेस हम लोग को मिल जाती है। यहाँ पे आप SUV पार्किंग भी कर सकते हैं, वो रही हमारी इन्वर्टर स्पेस। यहाँ पे 2-व्हीलर पार्किंग स्पेस भी है और 2 टैप्स भी दिए गए हैं आपकी साफ सफाई के लिए या आपको जो भी जरूरत। अंदर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, गेस्ट एंट्री से हम बढ़ रहे हैं अंदर। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें इनके वुडन के दरवाजे दिए, इसमें 10 साल की गारंटी है और साथ में टर्माइट प्रूफ है। आ जाइए मेरे साथ आगे की तरफ। नीचे आप देख सकते हैं टाइल्स जो दिए इन्होंने, वेट्रीफाइड टाइल्स लगा रखे, हमें एक अच्छी सी ड्राइंग स्पेस मिल रही है यहाँ पर। और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल सीलिंग का काम हुआ है। यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ भी निकल सकते हैं, ये एक हमारा एंट्री गेट हो गया, ये आई थिंक कॉमन एंट्री है, यहाँ से हम बाहर की तरफ वापस से पहुँच जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ड्राइंग रूम स्पेस हमारी या लिविंग एरिया स्पेस ख़त्म हो रही है, या पार्टीशन आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और इधर जैसे ही हम लोग आएंगे हम लोग डाइनिंग स्पेस में पहुँच जाते हैं। डाइनिंग स्पेस के बिल्कुल सामने आपको मॉड्यूलर किचन बना के दिया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं। और मॉड्यूलर किचन की हमारी जो विंडो है वो खुलती है हमारी डायरेक्ट एंट्रेंस की तरफ, यानी कि सामने आपको बाहर का यहाँ से गेट नज़र आ रहा है मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग सारी जो इन्होंने करी है वो एंकर की कर रखी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है, हम सब जानते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉश बेसिन छोटा सा, और यहाँ पर इन्होंने बाथरूम फिटिंग्स वगैरह का काम किया है सरा का। और यहाँ पर हम लोग
सकते हैं, काफी अच्छी लेंथ तक इन्होंने टाइल्स डाल रखे हैं। और टैप्स आपको फिर से सेरा की सारी बाथरूम फिटिंग्स वगैरह मिलेंगे, एक वॉश बेसिन भी दिया गया है इसके अंदर। बाहर निकलेंगे सामने हम लोग को एकदम मिल जाएगा एक रूम। यहाँ पर इस रूम में इन्होंने क्या क्या अटैच करा है, वॉशरूम भी जो कि वेस्टर्न वॉशरूम है आप देख सकते हैं। वहां पर टाइल्स का जो वर्क है वो अलग है एकदम, आइए आपको दिखाई देते हैं। थोड़ी सी लाइटनिंग की कमी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी सरा का ही इन्होंने लगा रखा है। ये एक सैंपल हाउस है ठीक है, नीचे टाइल्स सेम ही तरीके के हैं और ऊपर आप देख सकते हैं वर्क पीओपी का इन्होंने जो किया। आइए बाहर की तरफ निकल आएंगे, तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो एक और हमें रूम मिल जाता है। अच्छा, आपसे व्हाइट वॉश की तो हमने बात करी नहीं, तो यहाँ पे जो है पेंट यूज करा है वो है एशियन पेंट्स, मीन सारा कुछ इन्होंने मोस्टली ब्रांडेड यूज करा है कि फ्यूचर में हम लोग को इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और ये देखें यहाँ पे इन्होंने ग्लास के डोर्स दिए हैं क्योंकि सामने आपको ओटीएस में ले जाता है। ये देखिए ये रहा हमारा ओटीएस, छोटा सा इन्होंने दिया है। और ऊपर की तरफ छत है और इसे आप बंद कर सकते हैं, यहाँ कर्टन डाल सकते हैं और अच्छी खासी रोशनी भी आपको मिल जाती है। आइए बाहर मिलते हैं आपसे और चलते हैं आपको इनका टेरेस दिखाते हैं। पहले तो आपको बता दें नीचे यहाँ पे इन्होंने मार्बल वर्क दिया हुआ है सीढ़ियों पर और यहाँ पे एसएस की रेलिंग है। आइए चलते हैं फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं ऊपर हम लोग। ऊपर में यहाँ पे एक रूम आपको मिलता है, बड़ा सा अच्छा सा ही रूम एरिया है। बाकी सब कुछ टाइल्स हो गया है, फिटिंग्स हो गई, वो सब आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर एक कॉमन एक और वॉशरूम भी आपको मिल रहा है ऊपर भी, ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वेस्टर्न वॉशरूम है। तो फ्रेंड्स रूम से जैसे ही ऊपर वाले रूम से आप बाहर निकलेंगे आपको मिल जाती है एक बड़ी सी खूबसूरत सी बालकनी, और क्योंकि जाड़े हैं तो बड़ी प्यारी सी धूप मिल रही है और बालकनी पे खड़े होकर आप पूरा एरिया देख सकते हैं। हम लोग आ गए छत पे और देखिए काफी खूबसूरत सी छत है, पूरी डेवलप लोकेलिटी है, लोग रिसाइड कर रहे हैं तो आपको आसपास शायद थोड़ी चहल पहल भी लगेगी, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये पूरा हमने आपको रेडी टू मूव हाउस इनका विजिट करा दिया, लेकिन अभी तक एमिनिटीज़ आपको नहीं बताई हैं, तो फटाफट से अब हम आपको बताने वाले हैं एमिनिटीज़। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट सबका समर सेविल मिल रहा है, मॉड्यूलर किचन ये आपको कंप्लीट करा के देंगे। 30 फीट की वाइड रोड्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, 1300 स्क्वायर फीट का ग्रीन पार्क एरिया मिल रहा है, हम आपको वो भी दिखाने ले चलेंगे। सीवेज मिल रही है, गेटेड सोसाइटी मिल रही है, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा कवर्ड, मार्केट प्लेस भी इस पूरी कम्युनिटी की अपनी मार्केट प्लेस भी यहाँ पे आपको बना के दे रहे हैं। ऑब्वियसली इनका उनका सब कुछ क्योंकि लोग भी डिसाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आ चुकी है, साथ में इनका सेपरेट यहाँ का उस लोकेलिटी का ट्रांसफार्मर है, स्ट्रीट लाइट्स अवेलेबल है। ये सारी जो मेन मेन बेसिक एमिनिटीज़ होती है ये आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है ये साई बसेरा होम्स की तरह ही, बड़ी प्यारी सी छोटी सी एक कॉलोनी इन्होंने बसाई है और जैसे वहाँ पे पार्क दिया था वहाँ यहाँ पे 13,000 स्क्वायर फीट में एक खूबसूरत सा इन्होंने पार्क एरिया आप देख सकते हैं बनाया है। और क्योंकि सर्दियों की धूप है तो बड़ा अच्छा मेरे को लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर के, और गर्मियों में भी बड़ा मज़ा आया क्योंकि हम लोग के बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं जाना होगा या फिर हम लोग को वॉक करना है कुछ भी करना है तो आराम से हम लोग अपनी कम्युनिटी के पार्क में यहाँ करके कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं मेन चीज़ की तरफ जो है बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप रूट्स ब्लॉग के व्यूअर्स हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी है। जो आपको फ़ोन नंबर फ्लैश करा आप डायरेक्ट वहाँ पे कॉल करके विज़िट कर सकते हैं, और विज़िट करने के बाद आपके जो भी क्वेरीज़ हैं को जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है वो सारे जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तभी बुकिंग करिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम आपको बता रहे हैं दो एरिया हैं 3 BHK के, हम आपको पहले ही बता चुके हैं 1000 स्क्वायर फीट में और 1200 स्क्वायर फीट में। तो पहले हम आपको बता रहे हैं अगर आप 1000 स्क्वायर फीट में 3 BHK का हाउस लेते हैं तो आपको वो पड़ता है 60 लाख रुपये में, जिसमें आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है सिर्फ 10% और उससे आप बुकिंग कर सकते हैं। 80% आपका बैंक लोन अवेलेबल है, मतलब जो रिमेनिंग आपका 80% बचता है उस पर आप बैंक लोन करा सकते हैं। अब आ जाते हैं 1200 स्क्वायर फीट वाला, अगर आप 3 BHK बुक करते हैं तो आपको पड़ता है वो 72 लाख का विदाउट एनी ब्रोकेज, और वहाँ पर आपको सेम है 10% आपको डाउन पेमेंट देना है और अगर आप फाइनेंस कराते हैं इसको तो 80% का इस पर लोन अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं, देखते
देते रहिए रूट्स व्लॉग, देते रहिए प्यार। और अगर कृष्णा नगर वाला भी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे दिया गया है, वो वाला वीडियो देखिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ोन नंबर, वहाँ से भी आप जाके विजिट करके बुकिंग कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मुस्कुराइए क्योंकि हम सब लखनऊ में और रूट्स व्लॉग आप सबके लिए लाता है प्रॉपर्टी घर बैठे बिना किसी ब्रोकरेज के। मेरे साथ वीडियो शूट करना बहुत ही आसान है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और मेरे को कॉल करिए और वीडियो शूट कराइए। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए रूट्स व्लॉग। बाय बाय।